नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से करियर फाउंडेशन में। मैं प्रकाश पोद्दार। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 अर्थात वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2020 के बारे में। हाल ही में वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2020 जारी किया गया है, यही कारण है कि यह चर्चा में है। दोस्तों, वैश्विक भूखमरी सूचकांक एक वार्षिक रिपोर्ट है जो हर वर्ष वैश्विक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और क्षेत्रीय स्तर पर भूखमरी की गणना करता है कि कौन सा देश में भूखमरी कम है, कौन सा देश में भूखमरी मध्यम स्तर पर है, कौन सा देश में भूखमरी गंभीर स्तर पर है और कौन सा देश में खतरनाक स्थिति को पार कर चुका है। इन सब चीज़ों की गणना करता है। आप सभी को पता होना चाहिए कि कोई भी रैंकिंग क्यों जारी किया जाता है। आपको पता होगा, आपको स्कूल में रैंकिंग मिलता था तो आपको पता चलता था कि आपकी क्लास में क्या स्थिति है, आप उसके अनुसार मेहनत करते थे और अपनी स्थिति में सुधार लाने का प्रयास करते थे। उसी प्रकार से अगर विश्व में अलग अलग प्रकार की रैंकिंग जारी की जाती है जिसमें सभी देशों को रैंक दिया जाता है, तो उससे क्या होता है कि देश भी अपनी स्थिति में सुधार लाने का प्रयास करते हैं। अगर वो देश भी अपनी अपनी स्थिति में सुधार लाने का प्रयास करेंगे तो इससे क्या होगा, विश्व आगे बढ़ेगा। ठीक है, अगर भूखमरी ज़्यादा है अलग अलग देशों में और सभी देश अपने अपने देशों में भूखमरी को कम करने का प्रयास करेंगे तो पूरा विश्व में भूखमरी कम होगा, होगा कि नहीं। और देखिए, इससे क्या होगा कि सतत विकास लक्ष्य 2030 में जो हम लोग को हासिल करना है उस टारगेट के नज़दीक भी हम लोग पहुँच पाएंगे। तो इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट संस्थाएं अलग अलग तरह की रैंकिंग जारी करती है जिससे देशों को अपनी स्थिति का अंदाजा हो और वो देश अपनी स्थिति में सुधार लाए। ठीक है, तो देखिए आज पूरी डिटेल में हम लोग जानेंगे कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक होता क्या है। देखिए, वैश्विक भूखमरी सूचकांक अभी 2020 जारी किया गया है, ये 2020 की रिपोर्ट है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक जारी कौन करता है। ठीक है, तो ये कोई एक संस्था नहीं करती है दोस्तों, ये तीन अलग अलग संस्थाएं हैं। ठीक है, तीन अलग अलग संस्थाएं मिल करके वैश्विक भूखमरी सूचकांक जारी करती है, जिसमें पहली संस्था है IFPRI। ठीक है, यानी इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो Washington DC में है। ठीक है, दूसरी जो संस्था है उसका नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड इसका नाम है, ये आयरलैंड की एक संस्था है। और तीसरी जो संस्था उसका नाम है वेल्ट हंगर हिल्फे, ये बोन जर्मनी की एक संस्था है। ठीक है, ये तीनों मिलकर के वैश्विक भूखमरी सूचकांक यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI जारी करती है। ठीक है, ये जान लिया आप लोग कि कौन कौन संस्था मिलकर जारी करती है, तो ये आप लोग को ध्यान होना चाहिए। उसके बाद अगर हम देखें कि पूरे विश्व में भारत की स्थिति कहाँ पर है, तो भारत की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है दोस्तों, खुश होने वाली बात नहीं है। भारत हालांकि पिछले साल की तुलना में रैंकिंग में सुधार लाया है, लेकिन पिछले साल की जो रिपोर्ट आई थी उसमें 117 देशों की गणना की गई थी और 117 देशों में भारत की स्थिति 102 नंबर पर थी। उससे पहले 2018 में भारत जो था वो 103 नंबर पर था। इस बार भारत का जो रैंक है वो 107 देशों में 94 नंबर पर है। समझे, 107 देशों की रैंकिंग जारी की गई है जिसमें भारत की स्थिति कहां पर है, भारत 94 पोजीशन पर है, 94वें नंबर पर है, जो कि गंभीर श्रेणी में आती है। अभी हम आपको बताएंगे कि गंभीर कितने श्रेणियों में इसको बांटा गया है हंगर इंडेक्स को। ठीक है, तो भारत किस स्थिति में, गंभीर स्थिति में है। देखिए, 27.2 भारत का स्कोर आया है। ठीक है, 27.2 जो है भारत का स्कोर इसमें आया है जो कि गंभीर माना जाता है। समझे, 27.2 को गंभीर। देखिए, अगर 9.9 से लो रहेगा जिसका स्कोर, वो उसमें माना जाएगा कि भूखमरी कम है। समझे, और जिनका 10 से लेकर के 19.9 रहेगा, ध्यान से समझिएगा, 9.9 से अगर नीचे है तो मतलब वहाँ उस देश में भूखमरी कम है। जिस देश की का स्कोर 10 से लेकर के 19.9 आया है उसमें औसत है, मतलब मॉडरेट है। ठीक है, 20 से लेकर 34.9 के बीच जिसका आया है वो गंभीर स्थिति में है। 35 से लेकर 49.9 तक आया है वो किस स्थिति में है, वो अलार्मिंग स्थिति में है, मतलब स्थिति खराब है। और सबसे खतरनाक पोजीशन पर 50 से ऊपर जिसका स्कोर आया है वो है, मतलब जिसका ज़्यादा स्कोर आया है वो खराब है। ऐसा मत समझिएगा कि ज़्यादा स्कोर आ रहा मतलब अच्छा है,
ठीक है, नहीं, जिसका स्कोर इसमें ज्यादा आ रहा है वो खराब स्थिति में है, जिसका जीरो के नजदीक आ रहा है वो अच्छी स्थिति में है, और जिसका 100 के नजदीक आ रहा है वो खराब स्थिति में है। मतलब जो 100 ले आएगा ना इसमें, वो एकदम एकदम खराब स्थिति में पहुंच जाएगा, एकदम खतरनाक स्थिति में पहुंच जाएगा। आई बात समझ में? तो भारत की रैंकिंग जैसा कि आप देख पा रहे हैं 94वें नंबर पर, उससे भी ज़्यादा चिंताजनक बात कि भारत नेपाल से भी पीछे है। छोटा सा देश जो हाल में आप लोग जानते होंगे कितना चर्चा में रहा था जमीन विवाद को लेकर के, ठीक है। पाकिस्तान ये भी भारत से आगे है, 88वें नंबर पर है। बांग्लादेश भी भारत से आगे है, देख रहे हैं ना, अभी हाल ही में बांग्लादेश जीडीपी में भी भारत को पछाड़ने जा रहा है। तो बहुत चिंताजनक स्थिति में है दोस्तों। तो ये सारी बातें आप लोग को जाननी है। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए, ये जो GHI जारी किया जाता है इसके कई आधार हैं। GHI जारी करने के कौन कौन से आधार हैं, इसमें देखा जाता है कि जो बच्चे हैं, ठीक है, छोटे बच्चे हैं, कुपोषित बच्चों का अनुपात उस देश में कितना है, ठीक है, ये देखा जाता है। पहला पॉइंट, कुपोषित बच्चों का अनुपात उस देश में कितना है। दूसरा देखा जाता है कि 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उसका वजन अपेक्षाकृत कम अगर हो, ठीक है, अपेक्षाकृत उनकी लंबाई कम हो, कुपोषण में ही आता है ना, कुपोषण होगा तभी तो स्थिति की स्थिति बनती है। तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का कम वजन और कम लंबाई देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद बाल मृत्यु दर उस देश में कैसा हो ये देखा जाता है। तो इन आधार पर उस देश की हंगर इंडेक्स की गणना की जाती है दोस्तों। क्लियर हो गया यहां तक, ये बातें क्लियर है। अब देखिए आगे, यहां पर देखिए GHI में जो कम स्केल, अभी मैंने आपको बताया कि 9.9 से जो कम रहेगा, ठीक है, 9.9 से जो कम रहेगा वो वहां पर भुखमरी कम है, 10 से लेके 19.9 रहेगा वो मध्यम स्तर पर है, 20 से लेके 34.9 के बीच रहे वो गंभीर है, भारत भी इसी में है थर्ड नंबर पे, ठीक है, गंभीर वाले में, 35 से लेके 49.9 रहेगा खतरनाक है, ठीक है, और 50 से जिसका ज़्यादा स्कोर आएगा ना बेहद चिंताजनक है दोस्तों। 50 से ज़्यादा स्कोर नहीं लाना है, मतलब थोड़ा सा खुशी का बात है कि भारत गंभीर में है, खतरनाक में नहीं है और बेहद चिंताजनक में भी नहीं है। तो ये हो गया किस किस पॉइंट के आधार पर इसकी गणना की जाती है, मतलब इसका स्कोर के बारे में आपको जानकारी दे दिए। अब देखिए यहाँ पर देखिए कुछ बच्चे हैं, इस प्रकार से आप भारत में अलग अलग गांव में इस तरह की तस्वीर देखते होंगे, गांव में क्या शहरों में भी इस प्रकार की तस्वीर देखने को मिलती है, झुग्गी झोपड़ियों में इस प्रकार के बच्चे होते हैं, उनको खाने का भी मतलब 3 टाइम का भोजन भी सही तरीके से नहीं मिल पाता है, 2 टाइम का भोजन, और बच्चे कई बार देखते हैं सड़क पर जो खाना फेंका रहता है उसको खाते हैं, तो स्थिति ठीक नहीं है दोस्तों। तो इस प्रकार की तस्वीरें आपको भारत में बहुत जगह पे देखने को मिलती होगी। देखिए यहां पर मैं बता रहा हूं कि कुल जो 107 देश हैं उसमें मात्र 13 देश, यहां पर 113 लिखा गया है, 13 देश जो है ना भारत से पीछे है, ठीक है, मात्र 13 देश, 107 देशों की जो रैंकिंग आई है उसमें मात्र 13 देश ही भारत से पीछे है। और इसमें कौन कौन सा देश भारत से पीछे, ऑलरेडी जो बहुत पिछड़े हुए देश हैं, जैसे देखिए रवांडा 97वें नंबर पर, भारत 94 पर है, ठीक है, नाइजीरिया 98 नंबर पर है, अफगानिस्तान 99 नंबर पर। देखिए अफगानिस्तान जैसा देश जहां पर रोज हिंसा होता है, रोज आतंकवादी हमले होते हैं, वो भी भारत से मात्र, देख रहे हैं, 5वीं रैंक पीछे है, ठीक है, लाइबेरिया ये 102 नंबर पर, इत्यादि कुछ 13 ही देश ऐसे हैं जो भारत से पीछे हैं, ठीक है, आई बात समझ में। अब देखिए यहां पर देखिए ये हंस रही हैं, मुस्कुराहट का वजह क्या है, शेख हसीना। अभी हाल में आपने सुना होगा कि जो बांग्लादेश है ना जीडीपी में भारत को पछाड़ने जा रहा है, अरे सोचिए मोदी जी, थोड़ा केवल पोस्टर बैनर से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सोचना होगा कि देश में वास्तविक स्थिति, जो मूलभूत स्थिति, उसमें क्या भारत में जीवन स्तर में क्या सुधार आया है। देखिए शेख हसीना की जो बांग्लादेश है वो 75वें नंबर पर, भारत 94, याद रखते जाइएगा। अच्छा पाकिस्तान, इससे भी शर्मनाक क्या हो सकता है, पाकिस्तान भी इसमें रैंकिंग में भारत से आगे है, भारत 94 पर, पाकिस्तान 88 पर है, मतलब भारत पाकिस्तान से भी इस मामले में पीछे है, ठीक है। देखिए ये नेपाल, हाल में धमकी उमकी दे रहे थे, बोल रहे थे राम मंदिर, राम का जन्म हमारे नेपाल में हुआ था, 73वें नंबर पर है ये, ठीक है, 73वें नंबर पर है। देखिए ये बोल रहे हैं 4 साल और चाहिए, 4 साल का 3.5 साल बचा हुआ आपका, सुधार कर लीजिए, बहुत नहीं बहुत दिक्कत हो जाएगा। देखिए 94वें नंबर पर है भारत, 94, मतलब देख रहे ना कि ये सब देश, ये सब
तुच्छे तुच्छे देश, जो छोटे छोटे इतु इतु देश है, ये सब भी भारत से आगे है। ठीक है, हंगर इंडेक्स में, भूखमरी में, ऐसी चीज भारत बहुत बड़ी बड़ी बातें कर, दवाइयां देता है दूसरे देशों को, लेकिन अपने देश में भूख की स्थिति में सुधार नहीं ला पा रहा। फिर देखिए यहां पर इंडोनेशिया पड़ोसी देश है भी 70 नंबर पर। अरे श्रीलंका की तो बात ही नहीं किए, छोटा सा देश श्रीलंका भी इसमें 64वें नंबर पर है दोस्तों। मतलब कुल मिलाकर के आपको समझ में आ गया होगा कि भूखमरी के मामले में भारत की स्थिति बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसमें सुधार लाने का सरकार को प्रयास करना चाहिए। केवल लंबी लंबी योजनाएं, लंबे लंबे भाषण और लंबे लंबे पोस्टर बैनर से काम नहीं चलेगा, एडवर्टीजमेंट से काम नहीं चलेगा। जमीनी स्तर पर भूखमरी को सुधार लाने की आवश्यकता है और ये कोई ग्लोबल हंगर इंडेक्स ही नहीं दोस्तों, इस प्रकार की बहुत सारी रैंकिंग है जिसमें भारत बहुत पीछे है। कोई रैंकिंग सुनते जिसमें भारत टॉप 5 में है? इतने सारे इंडेक्स जारी किए जाते हैं, एकदम 99% इंडेक्स में भारत की स्थिति चिंताजनक बनी हुई रहती है। ठीक है, इनोवेशन में थोड़ा सा देख रहे हैं बढ़ रहा है, एक दिन हम बता देंगे अलग अलग रैंकिंग में, एक क्लास ले लेंगे कि अलग अलग रैंकिंग में भारत का कौन सा पोजीशन है। तो ये सारी चीज़ें आपने जाना दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, और जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी और ऑनलाइन प्रिपरेशन भी आप कर सकते हैं हमारे चैनल में आकर के। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अगर पसंद आया हो ना दोस्तों तो एक शेयर मार दीजिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे शेयर कीजिए, अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पर भी शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।